एवरीवन, आज हम देखेंगे शॉपिफाई में कैसे ब्लॉग क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए पहले डिजाइन देख लेते हैं, डिजाइन क्या है। तो ये हमारा डिजाइन है, ये एक सेक्शन है, लेफ्ट में इमेज है, राइट में कंटेंट है इसका। और दूसरा सेक्शन है, राइट में इमेज है, लेफ्ट से सेक्शन में कंटेंट से। तीसरा भी लेफ्ट साइड में इमेज है, राइट। तो हम क्या करेंगे, कोई भी सेक्शन अगर रिपीट हो रहा है एक ही सेम टाइप कंटेंट से, तो हम उसी को हम क्या करेंगे, ब्लॉक में क्रिएट करेंगे। हर हर सेक्शन में, हर एक एक सेक्शन में हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम एक ही सेक्शन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर क्रिएट करेंगे ब्लॉक्स। जो ये पूरा टोटल चार ब्लॉक सेक्शन है, ये चार सेक्शन हम ब्लॉक में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखते हैं। तो पहले जाएंगे थीम्स के अंदर, फिर जाके एक्शन पे एडिट कोड पे के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारा कोड एडिटर ओपन हो गया है। तो हम यहाँ पे सेक्शन के अंदर एक नया फाइल बना लेंगे पहले। तो वो फाइल होगा मेरा इंडेक्स ब्लॉक्स, ठीक है, डन कर देंगे उसको। अभी देखिए सेक्शन का नेम देना पड़ेगा। तो हम ये स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट नहीं रखेंगे, इसको डिलीट करते हैं। और इधर हम क्या करेंगे, इधर हम देख नेम देंगे। शॉपिफाई बॉक्स, ठीक है। तो इधर क्या करना पड़ता है, एक प्रीसेट डालना पड़ता है, सेट्स। प्रीसेट्स क्या काम करता है बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। इधर हम डालेंगे नेम, नेम के बाद इधर वो सेम नेम हम कॉपी करके, इधर से कॉपी करके इधर डाल देंगे, ठीक है। फिर जाके हम क्रिएट करेंगे ब्लॉक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के अंदर क्या रहता है, पहला रहता है टाइप। ब्लॉक्स टाइप क्या होगा, मेरा इमेज विथ टेक्स्ट क्या है, हम इमेज और टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, तो हम नाम दे देंगे इमेज विथ टेक्स्ट। एक साथ में डालना डालना होता है ना, टाइप के अंदर कोई स्पेस नहीं देना है। फिर डालना होता है नेम, नेम के अंदर हम स्पेस डाल सकते हैं इमेज विथ विथ टेक्स्ट, ओके। बाद में रहता है सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर हम वो क्या क्या मुझे चाहिए वो रहेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या क्या रहेगा, तो एक इमेज रहेगा, एक हेडिंग रहेगा, एक टेक्स्ट रहेगा और एक बटन का फील बटन रहेगा। तो हम ये चारों चीज चाहिए। तो आप इस ये चारों चीज हम कहाँ से मिलेगा, स्कीमा कहाँ से मिलेगा, तो हम स्कीमा के लिए हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे शॉपिफाई स्कीमा सेटिंग्स, ओके। शॉपिफाई स्कीमा सेटिंग्स के अंदर आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे करेंगे तो इधर देखेंगे कि इनपुट सेटिंग्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अभी क्या होगा, अभी राइट साइड में पूरा जो जो स्कीमा हम लिख सकते हैं, स्कीमा के अंदर पूरा लिस्ट डाउन किया हुआ है, ये पूरा ये सब चीज हम लिख सकते हैं स्कीमा के अंदर, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो पहले इमेज चाहिए, इमेज का ढूंढ लेते हैं, इमेज का आ गया इमेज।
इमेज इमेज इमेज, ये है इमेज पिकर, ठीक है। ये इमेज पिकर क्या करता है, इमेज को पिक करता है। तो हम इसको ले लेंगे, कॉपी कॉपी कर लेंगे इसको, और सेटिंग्स के अंदर इसको डिलीट करके इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मेरा इसका टाइप हो गया इमेज पिकर, और इधर नाम दे देंगे सिर्फ इमेज, मतलब आईडी दे देंगे इमेज, और हमें लोगो इमेज नहीं चाहिए, हम सिर्फ इमेज चाहिए, तो इमेज दे देंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा इमेज का। अब हो गया हेडिंग, हेडिंग के लिए हम चाहिए टेक्स्ट, तो हम सर्च करते हैं टेक्स्ट क्या है। ये हो गया, आ गया टेक्स्ट, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। तो कॉपी करके ये इधर डालेंगे, ये हो गया मेरा टेक्स्ट। टेक्स्ट तो हम इसको रखते हैं टाइटल और हेडिंग, कुछ भी आईडी दे दो, ये लेबल हो गया हेडिंग। और इसको इमेज, और इसका डिफॉल्ट जो टेक्स्ट रहेगा वो है इमेज विद टेक्स्ट, ओके। ये हो गया टेक्स्ट। अब हम चाहिए एक टेक्स्ट डालने का जगह, ये नीचे वाला ये टेक्स्ट डालने का जगह। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम रिच टेक्स्ट लेंगे। अब रिच टेक्स्ट क्या करता है, रिच टेक्स्ट क्या है, वो एक टेक्स्ट एडिटर टाइप का है। तो उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो ऑलरेडी पी टैग के अंदर इंक्लूड होके आता है, रिटर्न रिटर्न आता है कंटेंट में, ठीक है। तो हम रिच टेक्स्ट लेंगे, तो देखते हैं टेक्स्ट एरिया इधर है, रिच टेक्स्ट कहाँ है, यही है रिच टेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और आईडी या लेवल का नाम अपने हिसाब से रख लेना, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं आईडी के अंदर और लेवल्स के अंदर। तो हम रिच टेक्स्ट ले लिया, एक एक पैराग्राफ, वो पैराग्राफ डालेंगे, इसलिए पैराग्राफ रहने देते हैं, लेबल पैराग्राफ, ठीक है। अभी चाहिए मेरा बटन का। अभी देखो बटन में दो चीज होता है, एक टेक्स्ट रहता है बटन का नेम, और वो बटन कहाँ रिडायरेक्ट होगा, ये दो चीज रहता है, ठीक है, एक बटन के अंदर। तो हम दो चीज लेंगे, एक लेंगे टेक्स्ट फील्ड लेंगे जो टेक्स्ट डालने के लिए, बटन का वैल्यू डालने के लिए, और एक यूआरएल लेंगे, वो यूआरएल स्कीमा होता है वो लेंगे, उसको उसको लेंगे जो रिडायरेक्ट करेगा मेरा वो बटन, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, पहले टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं इसको पूरा, ये आईडी देते हैं बटन लेबल, देते हैं बटन लेबल, ठीक है। और डिफॉल्ट में डाल देते हैं कुछ भी, बाय नाउ या कॉन्टेक्ट अस, बाय नाउ अभी के लिए बाय नाउ देते हैं। और लास्ट वाला जो चाहिए हमें वो है यूआरएल, यूआरएल यूआरएल वो लिंक पिक करने का स्कीमा है, ठीक है। सेटिंग से ये हम कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, बटन लिंक, बटन लिंक, ठीक है। फिर अब इसको सेव करते हैं। अभी मुझे चाहिए का HTML। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, अभी एक इमेज, एक इमेज टेक्स्ट वगैरह डालने के लिए हम पूरा सब कुछ इसके अंदर सेट कर लिया, लेकिन एक चीज और चाहिए, क्योंकि हम डिजाइन में देखेंगे तो इमेज, फर्स्ट इमेज लेफ्ट में है, सेकेंड इमेज राइट में है, देन अगेन लेफ्ट में है, और लास्ट वाला भी राइट में है। तो हमें क्या चाहिए, इमेज लेफ्ट राइट का कंट्रोल चाहिए, हाँ। तो इमेज लेफ्ट में रहेगा या इमेज राइट में रहेगा, तो इसके लिए कंट्रोल चाहिए हमें। तो इस कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन दे देंगे, एक चेक चेक बॉक्स डाल देंगे उधर, और आप एक ड्रॉप डाउन भी बना सकते हो,
तो ड्रॉप डाउन में रहेगा क्या, या इमेज अलाइनमेंट, इमेज क्या लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा, ये दो ऑप्शन डाल सकते हो वो ड्रॉप डाउन के अंदर। और एक चेकबॉक्स ले सकते हो क्या, बाय डिफॉल्ट इमेज लेफ्ट में रहेगा अभी है, तो हम चेकबॉक्स में क्या डालेंगे कि इमेज हमें राइट में चाहिए या नहीं। तो जब भी वो चेकबॉक्स चेक हो जाएगा तब तब वो इमेज राइट में आ जाएगा और जो कंटेंट है वो लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो हम एक चेक बॉक्स लेंगे, तो हमें ड्रॉप डाउन की जरूरत नहीं है, हम एक चेक बॉक्स लेंगे। चेक बॉक्स के लिए हम इधर सर्च करेंगे, ये रहा चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स को इधर से कॉपी करेंगे और सबके ऊपर नहीं, इमेज डालने के बाद उसको बोलेंगे क्या इमेज कहाँ चाहिए। ठीक है, इमेज अलाइनमेंट, ठीक है, स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना, इमेज अलाइनमेंट डिफॉल्ट हमें नहीं चाहिए, छोड़ दो उसे। जब ये चेकबॉक्स चेक रहेगा तो हम इसको इसको कर दे, इमेज अलाइनमेंट राइट राइट कर देते हैं। हाँ ठीक है, जब ये चेक रहेगा तो ये इमेज राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, ए इस्तेमाल करना है, तो हम ऑलरेडी ए इस्तेमाल किया हुआ था पहले वाला, तो उसको से उसी से उठा लेते हैं हम पूरा ए इस्तेमाल। हाँ ठीक है, ए इस्तेमाल मैंने कॉपी कर लिया इधर, ओके पेस्ट कर दिया। अभी क्या हो रहा है, हम तो ब्लॉक क्रिएट किया। हाँ, सो हम इधर एक एचटीएमएल डाला हूँ, इसका मतलब एक ही सेक्शन आएगा, लेकिन तो हमें चारों सेक्शन चाहिए, तो हम चारों सेक्शन के लिए ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इसको ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो इधर एक कंडीशन हम डाल देंगे, इफ SEC सेक्शन डॉट ब्लॉक्स डॉट साइज ग्रेटर देन 0, मतलब पूरा सेक्शन शो करो अगर कोई ब्लॉक है तो, नहीं तो मत शो करो। ठीक है, ये रखे इधर एनडी, ये हो गया। ठीक है, फिर जाके हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। तो ब्लॉक क्या करते हैं, ब्लॉक बेसिकली हम क्रिएट करते हैं और उसको लूप में घुमाते हैं, लूप में उसको चलाते हैं, जाके पूरा एक हर लूप में मेरा मेरा कंटेंट क्रिएट करके दे, एक सेक्शन वो क्रिएट करके दे। ठीक है, तो हम इधर एक लूप चलाएंगे पहले, परसेंट फॉर ब्लॉक इन सेक्शन डॉट ब्लॉक्स। ठीक है, अभी क्या हुआ है, अभी ब्लॉक्स इन सेक्शन डॉट ब्लॉक्स। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको इंट फॉर करते हैं, इंट फॉर। ठीक है, अभी क्या होगा, अब ब्लॉक्स में क्रिएट हो गया है, बॉक्स में आ गया है, तो हम इसको अंदर कंडीशन दे देंगे, परसेंट्स इफ ब्लॉक डॉट सेटिंग्स डॉट वो इमेज का अलाइनमेंट का, वो इमेज अलाइनमेंट, ये इमेज अलाइनमेंट रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, तो इमेज मेरा राइट साइड में जाएगा, एल्स वो इमेज लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, ठीक अभी क्या कर लेते हैं, पूरा ये जो सेक्शन है इसको इधर से काट करके, ये क्या हुआ, ये मेरा इमेज राइट वाला सेक्शन है, इसको इधर डालते हैं।
और इधर इसका हेडिंग का जो क्लास है उसका नेम चेंज कर देते हैं, राइट मतलब इमेज राइट में रहेगा। और ये जो सेकेंड वाला सेक्शन है ये मेरा इसको काट करके नीचे डाल देता हूँ, मतलब ये इमेज मेरा राइट में चला गया। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप का एचटीएमएल क्रिएट किया हुआ हूँ इसलिए कॉलेज 6 लास्ट में रह रहा है, इसलिए इमेज राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले में इमेज लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, अगर वो चेक नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, इधर से जो 6 वाला है इधर को तो उसको काट करके ऊपर 6 के ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा HTML हो गया है, लेकिन इधर इसको कर देंगे लेफ्ट। ठीक है, मतलब इमेज लेफ्ट में है, ये हो गया तो मेरा HTML क्रिएट हो गया। चलो इसको हम अब रन करके देखते हैं। ओके, प्रीसेट में हम क्या लिखे थे, प्रीसेट में हम लिखे थे एक नेम शॉपिफाई ब्लॉक्स, तो हम क्यों लिखे थे ये हम अभी देख पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको कस्टमाइजर में ओपन करते हैं। कस्टमाइजर, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कुछ सेक्शन को क्रिएट करके रखा था, तो इसको क्या करते हैं हम फिलहाल इसको सबको बंद कर देते हैं। ठीक है, हम ऐड करेंगे नया सेक्शन। अभी वो प्रीसेट के अंदर जो मैंने नाम डाला था शॉपिफाई ब्लॉक्स, वो ए सार्च के ए इसके अंदर आएगा, तो हम इधर लिखेंगे सॉरी शॉपिफाई ब्लॉक्स, तो ये शॉपिफाई ब्लॉक्स आ गया। ओके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 4 ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे, 1 2 3 4, ये मेरा 4 ब्लॉक्स क्रिएट हो गया। सेव कर देंगे, पहला वाला इमेज लेफ्ट में रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं चाहिए हमें, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इमेज को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सेव करेंगे। ओके, और एक गलती हुआ है हमसे, इमेज ये अदर शो नहीं हो रहा है क्योंकि हम कॉपी करके लाए थे HTML, तो उसके इसके लिए वो प्रॉब्लम हुआ है, मुझके ये ब्लॉक में चल रहा है अभी, तो इसको क्या करना है, पूरा जो सेक्शन है सेक्शन सेटिंग्स ये पूरा हम ब्लॉक में चाहिए अभी, तो जितना भी सेक्शन इधर लिखा हुआ है हम उसको चेंज कर देंगे ब्लॉक में। ठीक है, ये ब्लॉक क्या है अभी बताता हूँ, ये ब्लॉक क्या है। ये पूरा चेंज कर दिया मैंने ब्लॉग में, ये ब्लॉग क्या है, ये जो फॉर लूप में चल रहा है, ये पूरा सेक्शन ये पूरा जितना भी ब्लॉग है वो लूप में चल रहा है, जो एक सिंगल सिंगल एलिमेंट एक्सेस हो रहा है वो ब्लॉग से हो रहा है, इसलिए वो ब्लॉग मैंने लिख दिया। ओके, अब ये सेव कर देंगे। अभी ये कस्टमाइजर में ये सेव है, अब इसको क्या करेंगे फ्रंट एंड में रिलोड करेंगे। कंटेंट में रीलोड करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो मेरा ब्लॉक क्रिएट हुआ था, मैंने सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक में इमेज अपलोड किया था, तो इमेज इधर शो हो रहा है, और राइट साइड में कंटेंट अभी डालना होगा, तो कंटेंट अभी डालना है, तो मेरा कंटेंट ऑलरेडी है हेडिंग, तो हेडिंग अभी तो शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं, चलिए इसको रीलोड करते हैं कस्टमाइज कर। इमेज विथ हेडिंग वाला सेक्शन नहीं आ रहा है पता नहीं, अब चलिए चेक करते हैं हेडिंग क्यों नहीं आ रहा है। ओके, हेडिंग क्यों नहीं आ रहा है वो भी एक बात है, क्योंकि ये आईडी है टाइटल, सो हमें ये आईडी चेंज करना होगा, हेडिंग नहीं है ये टाइटल है, तो इसका आईडी भी चेंज करना होगा। और एक चीज़, बटन बटन का टेक्स्ट इसका क्या है,
रिच टेक्स्ट, टेक्स्ट का है पैराग्राफ आईडी, तो उसको भी चेंज करना होगा। ये है पैराग्राफ, ठीक है। आप इसका बटन का क्या है, बटन लेवल है और एक बटन लिंक है। चलिए उसको कॉपी करके चेक करते हैं। ये बटन लेवल ठीक है, लेकिन ये लिंक वाला चेंज करना होगा। लिंक बटन लिंक होगा, ठीक है। ऊपर वाला ठीक हो गया है, नीचे वाला सेक्शन का भी चेंज करना होगा हमें, ठीक है। पैराग्राफ, पैराग्राफ को चेंज करने लेते हैं आईडी, और एक बटन वाला जो है बटन लिंक, ये भी इधर डाल के चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये पूरा अभी फिक्स हो गया। अभी देखेंगे कंटेंट पे, ये आ गया मेरा हेडिंग, ठीक है। अभी इसको कस्टमाइज पे थोड़ा रिलोड कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, टेक्स्ट डालेंगे, तो लॉरेम इप्सम में जाते हैं, इधर से टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लेना है, इधर से डामी टेक्स्ट है वो कॉपी कर लेते हैं और इसको डाल देते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरा टेक्स्ट, ठीक है। और जो बटन लेवल इधर इधर दिया हुआ है, लेकिन बटन तो शो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इधर एक कंडीशन मैंने डाल दिया था पहले ही, क्या, जो बटन लेवल एंड बटन लिंक दोनों ही रहना चाहिए, तो दोनों ही रहेगा तो ये बटन शो होगा, तो इसलिए मैंने इधर लिंक डालना होगा। एक काम करते हैं, एक कॉन्टैक्ट पेज है हमारा, उसके पर मैंने रिडायरेक्ट कर दिया अभी फिलहाल, हाँ, तो इसको सेव करते हैं। अब कहीं पर भी आप रिडायरेक्ट कर सकते हो इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो, अभी अभी जो नीचे देखो, इमेज विद टेक्स्ट, इमेज, ये अलग अलग ब्लॉक का वो जो हेडिंग है, टेक्स्ट टाइटल है, वो आ गया है, वो भी देखेंगे बाद, सॉरी, नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी इमेज अलाइन राइट, इसके ऊपर ये मैंने अगर चेक कर दिया, अब देखो इमेज राइट चला गया और ये सेक्शन लेफ्ट में आ गया, टेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो हम पहला सेक्शन मेरा लेफ्ट में रहना चाहिए, तो ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन होगा क्या, नेक्स्ट सेक्शन सेम होगा, लेकिन मेरा इमेज जाएगा राइट में, ठीक है। तो इमेज मेरा चला गया राइट में, ये आ गया राइट में टेक्स्ट, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको रिलोड करके टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लेता है, ठीक है। इसको पेस्ट करते हैं बाइनो और इसको हम कॉन्टेक्ट पेज में डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में फिर इमेज सेलेक्ट करते हैं, लेफ्ट में ही रहेगा, कुछ नहीं करना है, इसको टेक्स्ट डाल देते हैं और ये लिंक डाल देते हैं, से कोई भी लिंक डाल सकते हो उधर से। और लास्ट वाला में इमेज राइट में रहेगा, टेक्स्ट हमने डाल दिया और ये लिंक अपडेट कर दिया, ठीक है। इसको सेव कर दें। मेरा चार्ट जो ब्लॉक वो अपडेट हो गया है, कंटेंट में जाते हैं और इसको रिलोड करते हैं, ठीक है। अब रिलोड कर लिया, पहला सेक्शन लेफ्ट में इमेज, सेकेंड सेक्शन राइट में इमेज, नेक्स्ट सेक्शन लेफ्ट में, नेक्स्ट वन राइट में। तो इसका जो मैंने क्लास डाला था वो क्लास भी चेक कर लेते हैं, क्या हो रहा है क्लास। ये देखो, ये सेक्शन का ये इमेज देखो, इमेज राइट, राइट वाला इमेज, इमेज राइट में है, तो वो वाला क्लास ठीक ठाक ही है। नेक्स्ट ऊपर वाला जो सेक्शन है उसका देखो, लेफ्ट में इमेज है, वो क्लास भी ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा बन गया ब्लॉक में, पूरा सेक्शन क्रिएट हो गया। तो हम ब्लॉक कब यूज करेंगे, जब एक ही टाइप का डेटा हो, रिपीटेड टाइम यूज हो रहा है, तो तब हम ब्लॉक में क्रिएट करेंगे। और जितना भी स्कीमा हम क्रिएट कर सकते हैं स्कीमा के अंदर, तो हम ये इनपुट सेटिंग्स के अंदर से शॉपिफाई का डॉक्यूमेंट्स से, इसके अंदर से हम चेक कर सकते हैं कि जितना भी हमें चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो के, ये मेरा सेकेंड वीडियो था शॉपिफाई स्टेप बाय स्टेप का, तो इसको इधर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आएंगे
नया वीडियो के साथ देखेंगे उधर क्या कर सकते हैं हम, फर्दर इम्प्लीमेंटेशन क्या कर सकते हैं, और मेटा फील्ड के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं, बाय।